दतिया जिले की भांडेर सीट से जीतने वाले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया इंटरनेट पर चर्चा में हैं। अपने वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस विधायक ने कहा है कि वे अपनी बात पर कायम हैं और खुद ही अपना मुंह काला कर देंगे। बता दें कि कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया ने बयान दिया था कि अगर बीजेपी को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 230 में से 50 सीटें भी मिल जाती है तो अपना मुंह काला करेंगे। इसके बाद कांग्रेस नेता अब अपने बयान को लेकर 7 दिसंबर को दोपहर 2 बजे राजभवन के सामने अपना मुंह काला करेंगे और उन्होंने कहा है कि जो बयान मैंने दिया है वो करके भी दिखाऊंगा। कहते हैं कि कहीं अपनी घोषणाओं को लेकर या अपने प्रतिज्ञा को लेकर पीछे हट जाते हैं राजनेता, लेकिन ऐसे ही एक राजनेता फूल सिंह बरैया प्रतिज्ञा ली थी, उस प्रतिज्ञा को लेकर क्या कहते हैं आइए जानते हैं। क्या कारण आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक लहर कैसे रही कि जो रसूपा साफ? भारतीय जनता पार्टी की लहर थी नहीं, न पहले थी, न चुनाव में, न आगे। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने वोट का ट्रेंड बदल दिया है। चुनाव पहले होता था वोट वोट में, अब चुनाव वोट और नोट के बीच में हो रहा है। सर, कहीं ना कहीं आपने एक घोषणा और की थी कि गृह मंत्री को एक चैलेंज किया था, गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा है वो अपनी सीट से हार गए हैं। मिश्रा जी ने उस दिन चुनाव प्रचार स्टार्ट किया, मेरे से गाली दे करके किया था, तो गाली के बदले में गाली तो दूंगा नहीं। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि इस बार मैं नरोत्तम मिश्रा जी को जीतने नहीं दूंगा। जिस आदमी ने लोकतंत्र के गले पर छुरी चला दी हो और यहां से संभ्रांत नागरिक थे, सरपंच थे, जनपद थे, अच्छे अच्छे लोग थे, वो किडनैप करके अपने डबरा निवास पर ले गए, मैं धमकाया, डराया, जेल भेजा और फिर उसको उन्होंने कहा कि पुलिस भी बटन दबाएगी, थानेदार बूथ लूटेंगे और 100 नंबर 108 नंबर की गाड़ी में पैसा और शराब बटेगा, ऐसा तांडव किया। तो मैंने तय कर लिया था कि जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी के